नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श सिंह। दोस्तों आज मैं आपको आपके बचपन के दौर में लेकर जा रहा हूं कि जिस तरह के खेल हम खेल सकते थे दोस्तों या खेल चुके थे दोस्तों। ये वो खेल हैं दोस्तों जो 29 तस्वीरें हैं मेरे पास जो सिर्फ 90 के दशक के बच्चे ही जान सकते हैं दोस्तों। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इंडियन नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों ऐसी 29 चीज़ें जिसके प्यार और एहसास की अनुभूति केवल 90 के दशक के बच्चे ही कर पाएंगे दोस्तों। बचपन की यादें हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होती हैं दोस्तों, कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बचपन की यह सुनहरी यादें मन में हमेशा छाप छोड़ जाती हैं दोस्तों। वह सारी उम्र हमें सुखद अनुभव कराती हैं सारी उम्र तक दोस्तों। बचपन तो सबका ही अनमोल होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो केवल 90 के दशक के बच्चे ही समझ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों उस समय स्मार्ट एजुकेशन का ज़माना नहीं था, अतः किताबें कॉपियों से लदा बैग लेकर स्कूल जाना पड़ता था। बुक्स पर कवर चढ़ाकर उनको सूंघना, स्कूल की छुट्टी होने पर बाहर ठेले से चूरन खरीदकर खाना, यह सब सोचते बचपन की सुखद यादें तरोताज़ा हो जाती हैं दोस्तों और हम बच्चे बन जाते हैं। चलिए आज ऐसी कुछ चीज़ें और तस्वीरों को देखकर अपने बचपन को याद करते हैं दोस्तों। दोस्तों उस समय हमसे ज़्यादा हमारा बैग भारी हुआ करता था दोस्तों, पर उसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कई घंटों की मेहनत करके किताबों पर कवर चढ़ाते थे दोस्तों। याद कीजिए कि आपकी भी कॉपी के आखिरी पेज पर क्या होता था दोस्तों, इसी तरह का हाल होता था ना दोस्तों, यहाँ तक कि मेरी कॉपी पर भी दोस्तों। याद कीजिए वो रबड़ जिस पर लिखा होता था नॉन डस्ट इरेजर दोस्तों। स्टिकर लगाकर बुक नोटबुक को भी और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का सबको क्रेज होता था। लंच बॉक्स ऐसा होता था दोस्तों जो क्लास में सबसे महंगे बच्चे का ये लंच बॉक्स हुआ करता था दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों लंच ब्रेक होने पर लंच से पहले बेसब्र होकर खाने का इंतज़ार। मैथ आए ना आए, लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स सबको ऐसा ही चाहिए था दोस्तों। कोई कोई बच्चा इस तरह का बॉक्स भी लाता था जो कि बहुत कम बच्चे लाते थे दोस्तों, जिसमें कई तरह के पेंसिल्स रहते थे दोस्तों। साथ में कक्षा में जो सबसे अमीर दोस्त हुआ करता था उसके पास इस तरह का बॉक्स होता था दोस्तों। यह इरेजर देखकर आपको याद आया होगा कि कितनी गलतियां हम लोग करते थे। याद है इससे लिखी हुई सुंदर राइटिंग का दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। साथ ही स्याही से हुए खराब हाथ और दोस्त की कॉपी पर चीटे, ये भी आपको याद होगा दोस्तों। इन खास जूतों के बिना पीटी क्लास में एंट्री नहीं मिलती थी दोस्तों। दोस्तों इसके साथ ही कौन कौन आज छुप छुप कर चोक खाता है दोस्तों, क्योंकि उस समय तो बहुत खाते थे। पढ़ते टाइम इसका इस्तेमाल तो दोस्तों आजकल या उस समय सभी ने किया होगा दोस्तों। फ्लेम्स जो कि एक गेम हुआ करता था, काफ़ी फेमस था उस समय दोस्तों। हमारा चोर पुलिस तो स्पेशल गेम था दोस्तों उस समय, और आपने ये गेम तो कई बार खेला होगा, मोस्टली गर्ल्स ने तो ज़्यादा खेला होगा। पनिशमेंट को भी दोस्तों उस समय हम लोग काफ़ी इन्जॉय किया करते थे, जैसे इस तस्वीर में ये बच्चे कर रहे हैं दोस्तों। ताकि दोस्तों ये कैसेट का तो आपको याद ही होगा किस तरह से हम उसे रोल करते थे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।